मलेशिया की ये मासूम जैसी दिखने वाली लड़कियां दरअसल बहुत ही निडरी होती हैं। ये लौंडो को पकड़ कर जबरदस्ती उनके मुंह में इतना वोडका डालती हैं कि लौंडे नशे में आकर सड़क पर ही हाथ पैर मारने लगते हैं और जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं, और लोग चारों तरफ से उसको घेर कर उसका एमएमएस बनाकर जलील कर देते हैं। यहाँ की लौंडिया और टेम्परेचर इतना हॉट है कि यहाँ पर पानी अपने आप गर्म होकर उबलने लगता है और लोग चारों तरफ से इसे उबलते हुए पानी को देखते हैं और हम उन्हें देखते हैं। यहाँ की रंगीन भरी रातों में लोग भांग के सस्ते नशे करके झूमते रहते हैं। कुछ लोग तो सरेआम सड़कों पर ही भांग की गोली खाते हुए मिल जाते हैं। यहाँ की वो सभी लौंडिया जिन्हें बॉलीवुड में जगह नहीं मिल पाती है, वो सभी सड़कों पर ही मुजरा करते हुए मिल जाती हैं। इन सस्ते टिकटॉकरों का बेहतरीन मुजरा देखने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे आगे चलना चाहिए। इस टैटू वाली लड़की के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, अभी सब रुके हुए। मैं इतना खतरनाक भीड़ देखने के बाद सोचा कुछ तो होगा जिसके लिए भीड़ लगी है, लेकिन ये देखो इसके लिए भीड़ लगा के रखे हैं सब। इन सबकी गाना तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा नाच रहे हैं सब। अभी थोड़ी देर में मालूम चला भूचाल सा आ गया है, लोग इधर सब भागते हुए आ रहे हैं। अभी भाई क्या लफड़ा हो गया, क्यों भाग रहे हैं सब? फिर बाद में मालूम चला साला इसकी गाना सुन के लोग भाग रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। तो अभी मैं सड़कों पे खुलेआम भूत प्रेतों का साया देखा और इन्हें देखने के बाद डर गया। ये हमारी कुछ कर पार्टी, मैं अपने रूम में चला गया। केरल की यही खासियत है कि यहाँ के दिन जिंदा शांत और वीरान लगते हैं, उससे कई गुना ज्यादा रातें रंगीन लगती है।